नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2011 में आया हुआ है, 3 मार्क्स है। ओके सर, 2011 के सारे क्वेश्चन की करवा रहे हो बेटा, वो सीबीएसई का वन ऑफ द बेस्ट ईयर था जब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए आपको वहीं से सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। ठीक है, उसी में से एक क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूं ये आपके लिए। यूनिक क्वेश्चन है, पूरी बुक में एक ही क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है दूसरा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। परेशान हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा सर वो क्या था। देखो ध्यान से, ये आर निकालना है। अभी तक हमें आर दिया हुआ रहता था, वी आई निकालते थे, इस बार वी दिया हुआ है और आर निकालना है। ठीक है, और हमें अमीटर की रीडिंग पूछ रहा है। अब देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, समझेंगे कैसे, अप्रोच क्या होगी। इस पूरे को अगर मैंने छिपा लिया तो वो पूरा क्या दिख रहा है, एक तरीके से आपको सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है। यस सर, बिल्कुल सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है, क्योंकि हमें पता है अमीटर को किसमें लगाते हैं, सीरीज में। और हमें पता है कि जब अमीटर सीरीज में होता है तो करंट सीरीज में सेम रहता है, सीधी सी बात है, ये पता है। मतलब किसी तरीके से ये आई निकाल लूं और यहां पे वी पता है तो आर निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। लेकिन सर ये आई कैसे निकलेगा, ये आई इससे निकलेगा, वी इक्वल टू आई आर से। तो यहां से जो आई निकलेगा वही आई सेम रहेगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। बस यही जिसके दिमाग में आया वो क्वेश्चन कर लेगा, जिसको नहीं आया वो नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है। तो देखो क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या निकालना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। पहले हम क्या लिखेंगे, फोर सॉल्यूशन, देखो 4, 6, 12 वोल्ट एंड 6 ओम रेजिस्टेंस के लिए हम क्या निकालेंगे, हम जानते हैं वी इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो यहां पे वी कितना है, वी हमें हमारे पास पता है 12 है, और आई हमें निकालना है, और आर कितना है 6 है। तो यहां से आई कितना आ जाएगा, 12/6 मतलब 2 एम्पियर। ठीक है, मतलब हमें पता चल गया भाई करंट कितना है, 2 एम्पियर। मतलब ये वाला हमारा अमीटर की रीडिंग कितनी है, 2 एम्पियर। देखो इसमें क्या बेहतरीन उसने किया है, आपसे पहले आई निकलवा लिया और उसको सेकंड नंबर भी दे दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, है ना, लेकिन है कुछ नहीं था। अब देखो ध्यान से, आई आ गया, आई हमारा कितना आ गया, 2 एम्पियर। अब इसी आई को हम यूज करके इसके लिए निकालेंगे, किसके लिए, अब फिर लिखेंगे 4 FOR 4 R and 6 volt V अप्लाई V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो V कितना है हमारे पास, V है हमारे पास 6। I देखो, I मैंने बताया था अभी सीरीज में है, और सीरीज में अमीटर सीरीज में लगता है और सीरीज में करंट सेम रहता है, मतलब जो वो वाला करंट है इसका करंट वही करंट इसमें होगा। तो कितना आया था हमारा, 2 एम्पियर। और R हमें निकालना है, R तो यहां से R कितना आ जाएगा, 6/2 मतलब 3 ओम। मतलब ये R हमारा कितना आ गया, 3 ओम। अब देखो ध्यान से, आपकी समस्या सोल्व कर देता हूं, यहां से आई निकालो तो भी 2 ओम आएगा, और यहां से आई निकालो तो भी 2 ओम आएगा। ठीक है, निकाल के देखना जरूर आएगा। अगर उतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो यहां देखो, ये इसका डबल हो रहा है तो ये भी इसका डबल हो रहा है, ये इसका डबल हो रहा है ना, 3 से 6 और 6 से 12, तो इसलिए भी आई सेम रहेगा। यहां से भी निकाल लो, रेशियो है, रेशियो सेम रहेगा, ऐसे भी कर सकते हो। तो हमें आर आ गया। अब देखो तीसरी चीज, बहुत बच्चे इसमें गलती करेंगे, तीसरी चीज क्या पूछा, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब भी हमें डिफरेंस दिखता है तो हम क्या करते हैं, हम तुरंत माइनस कर देते हैं। क्यों, हमें क्या लगता है कि डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, इसमें ऐसे नहीं करना है। पोटेंशियल डिफरेंस का यहां पे मतलब है कि 12 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये टोटल आएगा 18 वोल्ट। यही आंसर है, बताओ क्या मुश्किल था इस सवाल में, था कुछ मुश्किल? और देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, और 2011 में पूछा हुआ, कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सिर्फ परेशान करने के लिए ताकि बच्चा ये फिगर ड्रामे से फिगर देख के डर जाए और घबराए, हथियार डाल दे, सोच ही ना पाए। ऐसे हमें नहीं करना है, हमें आराम से सोच के एक एक स्टेप को सर ने कैसे समझाया, मतलब मैंने, और अच्छे से देखो और समझो ध्यान से। आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मेरा चैलेंज है, बस आप वीडियो पूरी देखो और समझो अच्छे से। ठीक है, नोट डाउन करो, तब तक अगला करते हैं, और कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। आप लोग देखो यार, वीडियो देखते हो, कमेंट में अपने सुझाव नहीं देते हो, लाइक भी नहीं करते हो, कर दिया करो यार, कुछ पैसा थोड़ी ना लगता है। आप ही के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, आप ही के लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आपका अच्छे से एग्जाम हो, आई बात समझ में। तो कम से कम एटलीस्ट लाइक या कमेंट कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। जब देखते हो 2 सेकंड लगेंगे, मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, जब 5 मिनट की देख ली तो वहां 10 सेकंड और देख लो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो यार। ठीक है, अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करवाता हूँ मैं बढ़िया सा आपको।